आज हम बनाएंगे करीमुआ के पत्ते की सब्जी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। करीमुआ के पत्ते की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे करीमुआ के पत्ते को अच्छे से धो के साफ कर लिया है। इसे हम बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साग को एकदम बारीक काट लिया है, इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी उड़द दाल को 3-4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से गल गए हैं। दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है, इसे अब एक मिक्सर जार में डालेंगे और साथ में ही 10-12 काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इसे हमें एकदम बारीक पीसना है और आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना गाढ़ा पीसा है, इसी तरीके से इसे पीसना है। एक चम्मच दाल को एक कटोरी में साइड में रख देंगे और यहाँ पे जो हमने साग को एकदम बारीक काटा था, अब साग के ऊपर पिसे हुए दाल को ले लेंगे और साथ में ही डालेंगे 1/4 चम्मच नमक। यहाँ पे मैंने छोटे चम्मच से नमक लिया है। दाल और साग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दाल और साग को अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो गया है, गरम तेल में छोटी छोटी पकौड़ी बना लेंगे। एक बार जितना पकौड़ी आएगा पैन में उतना ही डालेंगे और अभी इसकी साइड को पलट देते हैं। पकौड़ी को दोनों तरफ से चलाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पे पकौड़ी अच्छे से सिक गई है, अब इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सारी पकौड़ी को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी पकौड़ियों को सेक लिया है। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल और तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में मैंने एक तेज़पत्ता लिया है, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची ली है, 1 हरी इलायची, 1 लाल मिर्च लिया है और 2 लौंग लिया है। खड़े मसाले को हल्का सा फ्राई कर लिया है। 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को भी 3-4 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ पे प्याज भी अच्छे से भून गया है, अभी इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक और लहसुन को और 1 बारीक कटी हरी मिर्ची डाल देंगे और इसे भी चलाते हुए भून लेंगे। यहाँ पे मैंने अदरक और हरी मिर्ची को भी भून लिया है, अब इसमें डालेंगे पिसे मसाले। तो पिसे मसाले में मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला लिया है और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। मसाले को तेल में थोड़ी देर भून लेंगे और उसके बाद 1 बारीक कटा टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ में ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढककर पकाएंगे जब तक मसाला अच्छे से भून ना जाए और टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पे मसाले भी अच्छे से भून गए हैं और टमाटर भी गल गया है, आप देख सकते हैं मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसाले को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे। पानी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे जो हमने 1 चम्मच दाल को साइड में रखा था, दाल में थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। और इधर ग्रेवी उबलने लगी है तो उबलती हुई ग्रेवी में दाल के घोल को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे ग्रेवी भी उबलने लगी है और अभी इसमें हम फ्राई की हुई पकौड़ी को डाल देंगे और पकौड़ी को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। साथ में ही थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पे सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। एक बार इस तरीके से आप लोग भी करीमुआ के पत्ते की सब्जी को ज़रूर बनाएं। जो लोग इस सब्जी को खाना नहीं पसंद करते हैं वो लोग भी सब्जी को ज़रूर खाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।